जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सिमसिम यहाँ पर नहीं है, और अगर मेरा शक सही है तो सिम्मी जान ही सिमसिम है। पर भाई जान, अगर सिम्मी जान ही सिमसिम है तो वो कहीं कहाँ होगी? सिमसिम अपनी गुफा में गई होगी, जरूर किसी मकसद से। वो इबलिस को रिहा कराने के लिए खुद खत्म हो सकती है, पर हार नहीं मानेगी। वो कुछ ऐसा करने वाली है जो परवाज में पहले कभी नहीं हुआ। अपनी महबूबा के दिल की आवाज सुनकर तुझे मेरे पास आना ही होगा गदार। खुशामदीद गदार। सिम सिम, ये दिल मेरा है, मेरी मोहब्बत का है। ये तुम्हारी हाथों में नहीं, मेरे सीने में होना चाहिए। देख गदार, ये उसी लड़की का दिल है जिसे मेरे नूह निगाह ने तेरे सामने मार डाला था, और आज तुझे इस दिल के लिए तड़पता देख बहुत खुशी मिल रही है मुझे, क्योंकि तेरी मोहब्बत सच्ची है। इश्क की ताकत को मत आजमा सिमसिम। इश्क के लिए ही तो आई हूँ मैं यहाँ, अपने नूह निगाह की इश्क के लिए। इस दिल के बदले में तुझे क्या चाहिए पता? तेरा साथ चाहती हूँ मैं, क्योंकि तू समझ सकता है मोहब्बत का दर्द। ये दिल चाहता है ना तू, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे दिल को सुकून देना होगा, और मेरे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब हमारे आका इबलिस को आजादी मिलेगी। मैं अपने आका इबलिस से ही बना हूँ, पर उनसे कुछ अलग था मैं। एक इंसान से मोहब्बत कर बैठा, पर खुश था मैं उसके साथ, अपनी नई दुनिया के सपने बुन रहा था। और मेरे आका ने मेरे सपनों को चूर चूर कर दिया। उनकी इबादत करता था मैं, और उन्होंने मेरी मोहब्बत का मेरे सामने कत्ल कर दिया। क्योंकि वो आका है हमारे, हक है उनका, और हम जिनकी इबादत करते हैं उनके फैसलों की वजह नहीं पूछते, हम वजह समझते हैं। हम अपने आका के खिलाफ जाने की गलती की है तूने, और उस गलती की सजा तुझे मिलनी ही थी, लेकिन अब मेरी मदद कर गदार। जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, मैं उसे उसकी मोहब्बत क्यों मिलने दूं? बताओ क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? क्योंकि मैं तुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दे रही हूं। देख गदार,
ये दिल आज भी तेरी मोहब्बत में धड़क रहा है। मैं तुझे मौका दे रही हूँ अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने का, वरना मैं चाहूं तो इस दिल को आग में भी डाल सकती हो। ठीक है सिमसिम, तुम जीती मैं हारा, बताओ क्या करना है मुझे, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। समझदार है तू गदार, अब वक्त आ गया है हमारे आका इब्लिस को आजाद करने का। आज तू कितनी भी बड़ी चाल चल ले सिमसिम, मैं तैयार हूं। आज मेरे हाथों तेरी शिकस्त तय है। गदार, वक्त आ गया है आका इब्लिस से वफादारी निभाने का, पर याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जो दिल मेरी गिरफ्त में है कभी आजाद नहीं होगा। इस इम्तिहान में नाकामयाब मत होना गदार, क्योंकि ये इम्तिहान मोहब्बत का है, तेरी भी और मेरी भी। जाओ हमारे आका इब्लिस को आजाद करो। और कितना इंतजार करवाएगी सिमसिम, अब तो आ जा अपने इस इब्लिस को बचाने। आ चुका है गद्दार, अपने आका इब्लिस के शरीर के हिस्से से बना है वो, इसीलिए इस पूरी कायनात में सिर्फ वही है जो उनके जिस्म में दाखिल हो सकता है। आज तेरी पहरेदारी किसी भी काम की नहीं। बेला कैसे आ गया? ये जरूर उस शैतानी इब्लिस का ही कह रहे हैं। और रखो से परवाज में, चलिए चलिए।
सबक मिलेगा परवाज के लोगों को इब्लिस की तौहीन करने की। जिंदा कैसे हो सकता है? कतार तोड़ दो उन बेड़ियों को, दूर फेंक दो उस पाक तलवार को। जल्द से जल्द आका को लेकर गुफा में पहुंचो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे कुचल दो। ये इब्लिस जिंदा कैसे हो गया? मैंने तो इसे पत्थर मारे थे, मेरा क्या होगा अब? ये इब्लिस जिंदा कैसे हो गया? मुझे इसे रोकना होगा। अगर ये मेरी कैद से निकल गया तो मैं सिमसिम से मर्जीना को कभी आजाद नहीं करा पाऊंगा। अद्दार, जल्दी से परवाज से बाहर निकलो और मेरे इब्लिस को गुफा में लेकर जाओ, जल्दी। ये शैतान फिर से जिंदा हो गया, सब अपनी जान बचा के भागो। हम लोग किसी महफूज जगह छुप जाओ। चलो सब लोग अंदर। चलो सब भागो भागो जल्दी से। चलिए 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 आइए जाओ। तलिस्मान के बिना इब्लिस जिंदा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इब्लिस खुद से नहीं चल सकता, कहीं कोई शैतानी ताकत इसकी मदद तो नहीं कर रही? इब्लिस हसन, हसन, ये वक्त घबराने का नहीं है बल्कि हिम्मत दिखाने का है। तुम जाकर लोगों को संभालो, तब तक मैं इस इब्लिस से निपटता हूँ। जाओ। आइए आइए, इधर आइए। We'll be right back.
चला गया। इस सिबलिस को रोकने के लिए मुझे मेरे शमशीर की पाक ताकत की जरूरत है, पर मेरी शमशीर कहाँ है? मुझे तो ये आवाज पे कोई शैतानी हमला लग रहा है। न जाने अब क्या आफत आ गई है बाहर। जब से वो छोटा कोतवाल उस इबलिस को परवाज लेकर आया है ना, तब से दहशत बनी रहती है। अरे अलीफी, उठ गई तुम? ये लो, ये लो। अलीफी, चाओ जाकर उस पाक तलवार को निकालो और मेरे नूरे निगाह को रिहा करो। सिमी जान ने तो भाभी को काबू में कर लिया था, ये ठीक कैसे हो गई? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? कैसे बताऊं मैं तुम दोनों को कि मुझे बेहोश करने वाली भाभी ही थी। मुझे बाबा को सिमी जान की सच्चाई बतानी होगी। उन्हें पता होना चाहिए कि सिमी जान ही साया है। पापा को ढूंढना होगा मुझे। अरे अलीफी, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? परवाज पे हमला हुआ है अलीफी। कहाँ जाना चाहती हो तुम? हाँ, बाहर दहशत से लोग चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं है हमारी हिफाजत करने के लिए, अली भी नहीं है अब। बाबा है भाभी और वो बाहर ही है। बाहर जो ये दहशत आई है वो सिमी जान की वजह से ही आई होगी। मैं बाबा को कैसे बताऊँ कि सिमी जान ही साया है? मुझे मत मारो, कसम से मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था आपका। कहाँ हो सकती है मेरी शमशीर? ये कैसे मुमकिन है कि बिना तलिस्मान के इबलिस जिंदा हो गया? कहीं तलिस्मान समसम को तो नहीं मिल गया? मुझे मेरे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब मैं इबलिस को अपनी गिरफ्त में लेकर आऊंगा। सबसे पहले मुझे इबलिस को रोकना होगा। खदार, जल्दी से हमारे आका को लेके गुफा में लौटो। आगा से कयामत से पहले मुझे मेरे इबलिस को तख्त पर लिटाना ही होगा। और वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। अब देखता हूँ कि तेरी शैतानी ताकत इस पाक पानी की ताकत के आगे कैसे टिकती है।